हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज का जो गुड मॉर्निंग हमारा मैसेज है वो ये है कि अगर आप लाइफ में अगर कुछ चेंज चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी प्रेजेंट लाइफ है उससे बेटर लाइफ हो, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइफ में चाहते क्या हो और क्यों आगे बढ़ना चाहते हो। तो सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है और उसी पर बेस्ड लाइफ में लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसी पर बेस्ड लाइफ की जर्नी चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल अगर आपको होना है, तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उसको प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। आप अगर चाहते हो कि आप किसी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, तो आपको प्रायोरिटीज़ फर्स्ट रखना पड़ेगा। फिर आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों को टाइम कम देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड है। तो मेरे को लगता है कि तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ होती है उसको उस वे में रखना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। तो जैसे अगर मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत बेस्ट पढ़ाना है, तो फिर मैं अपने लिए कैसे भी करके टाइम निकालता हूँ, कैसे भी करके स्टडी करता हूँ, कैसे भी करके प्लान करता हूँ कि मैं एक अच्छा डिलीवर कर सकूँ। एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो गेट का एग्ज़ाम देने वाला है या ESE का एग्ज़ाम देने वाला है या कोई भी IIT JEE कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है, तो वो एग्ज़ाम उसकी प्रायोरिटीज़ में रहना चाहिए। उसको फिर बाकी लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। किसी का बर्थडे हो तो बोलना पड़ेगा भाई बाद में टाइम देता हूँ। किसी को अगर बहुत देर बात करने की इच्छा है तो बोलना पड़ेगा कि 5 मिनट 10 मिनट बात करता हूँ। तो कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है। और जिंदगी में हम लोग जो देखते हैं, हमको कभी कभी सक्सेसफुल लोग सेल्फिश भी लगते हैं। हमको लगता है कि कुछ सक्सेसफुल लोग सेल्फिश है, लेकिन जब तक कोई प्रायोरिटीज चेंज नहीं करेगा वो सक्सेसफुल भी कैसे होगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है, वो सबसे बात करना चाहता है, सबके साथ टाइम देना चाहता है, पर्सनली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो सब कुछ बराबर बराबर जब डिवाइड हो जाएगा तो सक्सेस भी बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो प्रायोरिटीज़ है उसमें सक्सेस भी बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप चाहते हो कि बिग सक्सेस मिले, तो बिग सक्सेस कैसे मिलेगा जब सब डिवाइडेड हो गया टाइम। तो अगर आप अपने पूरे टाइम को डिवाइड करके करते हो, तो फिर पॉसिबिलिटी आपकी कम होती है कि एवरेज सक्सेस मिलेगा। और आप अगर अपनी लाइफ का पहला ही मोटो बना लेते हो, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि लोग बहुत एफर्ट मारते हैं, 15 आवर्स 16 आवर्स एफर्ट मारते हैं। अच्छे अच्छे हम सेलिब्रिटी लोगों को देखते हैं जो सेलिब्रिटी बनते हैं। जैसे अगर राजकुमार राव को देखोगे तो उसका एक्टिंग इतना बेहतरीन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे तो उनका एक्टिंग सब इतना बेहतरीन है। तो उनका स्ट्रगल वाला जो टाइम था उसमें अपनी ज़िंदगी का वो बेस्ट इनपुट दिए, बेस्ट एफर्ट मारे, और उनको लगा कि जो होगा देखा जाएगा, जितना हो सकता उतना बेस्ट देना चाहिए। तो लोग स्ट्रगल करते, एक नॉर्मल व्यक्ति स्ट्रगल भी नहीं करता और सक्सेसफुल भी नहीं होता। एक नॉर्मल व्यक्ति का स्टोरी ये है कि उसके पास स्ट्रगल नहीं है तो सक्सेस भी नहीं है। हम देखते बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ना, जो सक्सेस तक रीच करने के पहले उनके जो स्टोरी था ना, बहुत स्ट्रगलिंग होता है। एक नॉर्मल लोगों से भी स्टोरी स्ट्रगलिंग होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति मुंबई जैसी जगह में रहता है, आराम से घर जाता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, पार्टी करता है, उसके बाद ना वो उन स्ट्रगलर लोगों को जब सक्सेसफुल होते हुए देखता है तो उनकी स्टोरी पढ़ता है। तो यही लाइफ है कि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल ज़्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, आप अगर एफर्ट ज़्यादा मारोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चांसेस की बात है कि आप अपने लिए चांसेस कैसे क्रिएट करते हो। तो मेरे को लगता है कि जो आपके चांसेस है वो प्रायोरिटी पे बेस्ड है। चांसेस उस साइड जाएंगे जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ होगी, ऐसा तो फिक्स है। तो मेरे को लगता है कि किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट से बेटर अगर फ्यूचर बनाना है तो आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट से भी अगर वर्स्ट केस में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो। तो ज़िंदगी में वो सब कुछ करो जो नहीं करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में फिर जो आप नहीं सोच के रखे हो सब कुछ हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोलता हूँ हमेशा कि किस बात पे डिपेंड करता है सब कुछ, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप ना कैसे डाउन होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आप प्लान ही नहीं किए। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसको आप टाइम देते वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिसको आप टाइम देते ज़्यादा वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। अगर आपको ही नहीं पता होगा कि आप चाहते क्या हो, तो फिर बात क्या बची। तो मेरे को लगता है कि लोगों को खुद अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या है। तो अगर अपनी लाइफ के बारे में अगर ये एनालिसिस कर पाए कि अपनी ज़िंदगी में जितने दिन में जीने वाले अपन, चाहे 30 की एज वाले, 20 की एज वाले, क्या आज की डेट में 66 को टच करना, क्रॉस करना बड़ा आसान नहीं है, जो न्यू जनरेशन का जो टाइम है, उतने दिन तक हम अपने आप को कैसे बेस्ट बना के रख सके, गुड फील कैसे कर सके। एक लाइफ में यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने दिन की जर्नी है उतने दिन की जर्नी गुड रहे, उतने दिन आप एक अच्छी फीलिंग के साथ जिए, उसके लिए आप अपना बेस्ट इनपुट दे, कभी भी मलाल ना हो, कभी भी आपको ये फील ना हो, रिग्रेट ना हो कि ज़िंदगी में यार मैं क्यों नहीं अपना एफर्ट मारा, ज़िंदगी में मैं क्यों अपनी चीज़ों को अच्छे से नहीं किया, जो भी मैं काम करता था वो बेस्ट क्यों नहीं करता था, क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट किया। ये आपको मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है। सब लोग तो शाहरुख खान बनेंगे नहीं, सब लोग तो विराट कोहली बनेंगे नहीं, सब लोग तो फेमस व्यक्ति बनेंगे नहीं, ऐसा तो होता नहीं। अगर मैं सोचूं कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं, मैं एकदम फिल्म स्टार बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को अपना काम अच्छा करना है,
शाहरुख खान को भी लगता होगा कोई ना कोई वो बन जाए, सबको कोई ना कोई लगता होगा कि यार वैसा बनना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। छोटा और बड़ा काम नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है कि छोटा और बड़ा काम नहीं होता, ये होता है कि आप जो भी काम करते हो उसको कितने मन से करते हो, कितने अच्छे से करते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उस काम में आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, उससे लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो कोई कितना अर्न करता है वो मैटर नहीं करता, कोई कितना एफर्ट करके हैप्पीनेस अचीव करता है मैटर करता है, और ऐसे ही होना चाहिए। ना मैं बहुत ऊपर तक बढ़ सकता हूँ, ना मैं कोई सुपरस्टार एक सेलिब्रिटी समान बन सकता हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट हैप्पीनेस तो उनके समान भी रीच कर सकता हूँ। और हैप्पीनेस के लिए अपना अपना ग्रेट वर्क होना चाहिए, अपना कंटेंट्स पे काम होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, तो फिर लोगों को हैप्पीनेस मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि गुड मॉर्निंग मैसेज आज का यही था कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, आप लाइफ में क्या चाहते हो। अगर आप सही में गुड लेवल पे जाना चाहते हो तो प्रायोरिटीज़ भी गुड लेवल पे डालो। अगर आप चाहते हो कि फिट रहे तो फिर आपको फिटनेस के लिए जो पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल के पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी चीज़ चाहिए ना उसके पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रायोरिटीज़ वही तो होती है। ठीक है, चलो ऐसे इंजॉय करते रहिए और अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।